ओम अज्ञानतिमिरन्धस्या ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी महाराज ध्रुव को उन्हें क्या अभ्यास करना चाहिए जिसके द्वारा बड़ी शीघ्रता से उन्हें परम पुरुष भगवान कृष्ण उनकी प्राप्ति हो जाएगी, इस बारे में विधि विधान बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, किस प्रकार से उनकी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या क्या उन्हें करना चाहिए, इन सब विषयों के ऊपर उन्हें बता रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था नारद जी ने दो बड़े महत्वपूर्ण अभ्यास बताए थे। पहला उन्होंने बताया था कि यमा नियमा प्रत्याहारा, इस प्रकार से अष्टांग योग के जो अंग होते हैं उनका पालन करके मन को केंद्रित करना है और बाद में अपने मन के अंदर में भगवान की मूर्ति के ऊपर, भगवान के रूप के ऊपर उन्हें ध्यान लगाना है। तो पहला ये बताया था और उस विषय में हमने चर्चा की थी कि ये सतयुग में आसान था लेकिन कलयुग में ये इतना आसान कार्य नहीं है। दूसरा नारद जी ने ध्रुव जी को बताया था कि उन्हें मंत्र जप करना चाहिए, न केवल अपने मन के अंदर में भगवान के रूप के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, उसके साथ साथ में उन्हें भगवान की उपासना मंत्र जप के रूप में करनी चाहिए। तो कई बार ये प्रश्न उठ सकता है कि भला मंत्र से भगवान जो है उनकी प्राप्ति कैसे हो जाती है। तो ये हमें सही प्रकार से समझना है, भगवान और भगवान का नाम जो होता है, जो मंत्र के रूप में जपा जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। इस भौतिक संसार में एक व्यक्ति और उसके नाम में भेद होता है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में वस्तु और नाम दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे आपको उदाहरण देते हैं, आपको प्यास लगी है, अगर आप भौतिक संसार में आप जल 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 पानी पानी इस प्रकार से अगर आप जप करेंगे, जल के नाम को पुकारेंगे, तो आपकी क्या प्यास बुझ जाएगी? आपकी प्यास खत्म नहीं होगी, आपकी प्यास बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी बार आप ज़्यादा जल जल बोलेंगे और ज़्यादा प्यास लगेगी, क्योंकि वस्तु अलग है नाम अलग है। जल जल बोलने मात्र से आपकी प्यास नहीं बुझेगी, आपको जल वस्तु ग्रहण करनी पड़ेगी,
लेकिन आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं है। वहां पर वस्तु और नाम में कोई भेद नहीं है। अगर आध्यात्मिक संसार में आप अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं और आप अगर जल जल कहेंगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी, क्योंकि जल नाम और जल वस्तु में कोई भेद नहीं है आध्यात्मिक संसार में। इसी प्रकार से आध्यात्मिक संसार में भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो भगवान के नाम के जप मात्र करने से उसमें भगवान है स्वयं। अभिन्नत्वा नाम नामिनो, ये वेदों में कहा है। अभिन्नत्वा मतलब भिन्न नहीं है कौन, नाम नामिनो, नाम भगवान का और जिनका वो नाम है दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों भिन्न नहीं है। इसलिए आप अगर भागवतम पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि जब अजामिल ने भगवान के नाम का जप किया था, भगवान के नाम को पुकारा था, नारायण नारायण नारायण, केवल इस प्रकार से भयभीत होने के बाद, क्योंकि अजामिल की मृत्यु के समय में उसने भगवान के दर्शन नहीं किए थे, वो बड़ा पापी था, उसने यमदूत के दर्शन किए, घबरा करके जोर से उसने अपने पुत्र के नाम को पुकारा, उसने अपने पुत्र का नाम जो है नारायण रखा था बड़े भाग्य के कारण। तो मृत्यु के समय में भगवान नारायण को नहीं पुकारा, अपने पुत्र नारायण को पुकारा, लेकिन भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए तुरंत वहां पर भगवान के दूत प्रकट हुए जिसे विष्णु दूत कहा जाता है, और इन विष्णु दूतों ने अजामिल की रक्षा की। तो ये भी हमें जो है बड़े महत्वपूर्ण प्रसंग को समझना है कि जब हम भगवान के मंत्र का जप करते हैं तो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए मंत्र जप के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सलाह भी जो है नारद जी ने दी थी। उन्होंने कहा कि केवल हृदय के अंदर में भगवान के रूप के ऊपर मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ, केवल उतना पूर्ण नहीं है, उसके साथ साथ में तुम भगवान के नाम का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जप करो। ये दूसरी सलाह उन्होंने दी थी। अब तीसरी सलाह वो देते हैं कि भगवान के जो रूप है उनको केवल हृदय के अंदर में मात्र जो है उनके ऊपर ध्यान लगाना पूर्ण नहीं है। तुम तो जंगल में रहोगे, मधुवन में रहोगे, वहां पर भगवान की मूर्ति का तुम जो है निर्माण, उसकी रचना करो जैसे मैंने बताया है। नारद जी ने ध्रुव को बताया था भगवान का रंग कैसा है, भगवान के अलग अलग अंग किस प्रकार के हैं, तो उसके अनुसार जो है भगवान की मूर्ति को बनाया जाता है। और बाद में एक कार्यक्रम होता है जिसे कहा जाता है अर्च विग्रह की स्थापना, भगवान की अर्च विग्रह की स्थापना की जाती है। तो उस समय में सबसे महत्वपूर्ण होता है जब भगवान का भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं, तो कृपा करके आप इस अर्च विग्रह के अंदर में आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। तो भगवान उस अर्च विग्रह के रूप में हमारी सेवा स्वीकार करते हैं।
तो जो मंदिरों के अंदर में जो भगवान की जो विग्रह होती है वो वेदों के अनुसार उनकी स्थापना की जाती है, जिसे डीटी इंस्टॉलेशन कहते हैं। भगवान की अर्च विग्रह, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो भगवान की जो अर्च विग्रह होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद में भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं इस अर्च विग्रह के रूप में अपने भक्तों की सेवाओं को स्वीकार करूंगा। तो इसलिए जब हम मंदिर में जाकर के भगवान की अर्चना करते हैं, भगवान के सामने हम हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, वो कोई जो है पत्थर की पूजा नहीं है, वो कोई पदार्थ की पूजा नहीं है, वो साक्षात परम ब्रह्मन की पूजा है। क्योंकि भगवान के लिए कोई कठिन नहीं है, भगवान ओमनी पोटेंट है, सर्वशक्तिमान है। तो भगवान अपनी किसी भी शक्ति के अंदर में प्रकट हो सकते हैं, भूमि हो, मेटल हो, वुड हो, काठ हो, लकड़ी हो, या फिर मट्टी की बनाई हुई मूर्ति क्यों ना हो, भगवान उसके अंदर प्रकट हो सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान कहते हैं ये सारी मेरी ही तो शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान में एक प्रकार से कोई अंतर भी नहीं है, और भगवान चाहे तो उसमें प्रकट हो सकते हैं। उसे ही प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। तो ध्रुव को कहते हैं कि जंगल में तो तुम्हें जो है मेटल नहीं मिलेगा, और लकड़ी की भी जो है अनेकों प्रकार से तुम्हें बनाने की बड़ी मुश्किल होगी भगवान की प्रतिमा। तो मट्टी और पानी लेकर के मैंने जैसे बताया है उस प्रकार से भगवान की अर्च विग्रह की स्थापना करो, और उसके साथ में अनेकों प्रकार के नियमों के अनुसार पांचरात्रिक विधि में जो नियम दिए गए हैं उसके अनुसार भगवान की उपासना करो। तो ये तीसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग उन्होंने बताया है कि भगवान की मूर्ति के रूप में भी हमें साथ साथ में उपासना करनी है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। और उसके लिए वो कहते हैं कि जब हम भगवान की मूर्ति की स्थापना करें तो उसमें काल मतलब होता है समय, और देश मतलब स्थान, उसके अनुसार हमें भगवान की स्थापना करनी है और भगवान की अर्चना करनी है। दोनों के लिए ये चीजें देखनी बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए भारत वर्ष के अंदर में जब हम भगवान की मूर्ति की स्थापना करते हैं तो हम अनेकों प्रकार के नियमों का पालन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि हम भगवान का जब अभिषेक करें तो अभिषेक में हम गंगा जल, यमुना जल प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से भारतवर्ष में। मान लीजिए हम अमेरिका में या विदेश में कहीं पर पाश्चात्य देश में अगर हम भगवान की विग्रह की स्थापना कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम वहां पर गंगा जल की प्राप्ति ना कर सके, यमुना जल की प्राप्ति ना कर सके। तो क्या इसका मतलब हम वहां पर भगवान की अर्च विग्रह की स्थापना नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। इसलिए नारद जी बता रहे हैं कि बेटा ध्रुव तुम तो जंगल में हो, तो जंगल के जब उस परिस्थिति स्थान और समय के अनुसार तुम जो हो उस वस्तु के द्वारा भगवान की जो है मूर्ति की स्थापना करो जो वहां पर उपलब्ध है। तो इसी प्रकार से ये हमें समझना है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, समय और स्थान के अनुसार। तो दूसरे देशों में भी जैसा उस स्थान के अनुसार जो वहां पर उपलब्ध है और समय के अनुसार हम जो है भगवान की प्रतिमा की, भगवान की मूर्ति की अर्च विग्रह की स्थापना कर सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान की उपासना के समय में भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो भारतवर्ष में उपलब्ध हो
जो अमेरिका में उपलब्ध ना हो, पाश्चात्य देशों में, विदेशों में उपलब्ध ना हो, तो क्या इसका मतलब है कि वहां पर हम भगवान की उपासना नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं। मान लीजिए भारत के अंदर में आपको जो है, उदाहरण जस्ट दे रहा हूं, कुछ ऐसे फल मिल सकते हैं जो फल हो सकता है वहां पर आपको प्राप्त ना हो। भारत के अंदर में आपको देशी गाय का जो है दूध मिल सकता है, आप उसको जो है भगवान को चढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि विदेश में आपको जो है जर्सी गाय का दूध प्राप्त हो, तो क्या आप सोचेंगे कि नहीं, देशी गाय का दूध नहीं है तो मैं भगवान की अर्चना नहीं कर पाऊंगा? ऐसा नहीं। तो जो वस्तु वहां पर उपलब्ध है, थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें सबसे महत्वपूर्ण समझना है, भगवान भावग्राही है, भगवान केवल वस्तुग्राही नहीं है। वस्तु काल, समय और परिस्थिति और स्थान के अनुसार उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। इसी प्रकार से भगवान के नाम के जप में भी हम लोग देख सकते हैं। तो जिन्हें संस्कृत का ज्ञान है, वो तो भगवान के नाम का जप बड़ी शुद्धता के साथ में कर सकते हैं, जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। लेकिन हो सकता है कि विदेशी लोग जब भगवान के नाम का जप करें तो इतनी शुद्धता के साथ में ना कर सकें। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान जो है उनकी जब नाम के वो जप करेंगे तो भगवान ग्रहण नहीं करते। भगवान भावग्राही है, हमारी भावनाओं को देखता है। तो और अब आगे जो है नारद जी और क्या महत्वपूर्ण निर्देश देंगे महाराज ध्रुव को, उसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।